हाय फ्रेंड, तो इस वक्त मैं मुगल सराय के रेलवे ग्राउंड में आया हुआ हूँ। यह मुगल सराय का सबसे बड़ा रेलवे ग्राउंड है। इसके चारों ओर रेलवे कॉलोनियाँ हैं और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये दुर्गा पंडाल का ये नक्शा है, ये रूप है, ये सज्जा है, ये स्टेज है जो बनकर तैयार हो रही है। धीरे धीरे इसका सही रूप आ जाएगा। तो इस ग्राउंड की मैं खासियत दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ यह रेलवे ग्राउंड कितना पुराना यह रेलवे ग्राउंड है और यहाँ पे क्या क्या आयोजित होगा। धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा कवर करूँगा जब। तो अभी फ़िलहाल यह आप ढांचा देख रहे हैं जो दुर्गा पूजा के लिए तैयार की जा रही है। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यह 1926 में बना हुआ ईस्टर्न रेलवे द्वारा बनाया गया था। जब इस वक्त यहाँ लाइनें बिछ रही थी, शुरुआत की, उस वक्त का ये रेलवे मनोरंजन क्लब है जहाँ अंग्रेज आकर के मनोरंजन किया करते थे, विश्राम किया करते थे, रुकते थे। सारा इंजॉयमेंट और एज ए क्लब के रूप में इस भवन का प्रयोग होता था, इस मनोरंजन क्लब का। बाद में धीरे धीरे लोग इस मनोरंजन क्लब को, और जब अंग्रेज पूर्ण रूप से कब्जा कर चुके थे, जब तब इस मनोरंजन क्लब का जो नाम है नाचघर दे दिया गया था, तो अंग्रेज इसे नाचघर से के रूप में भी इस मनोरंजन क्लब को बुलाते थे और यहाँ रंगारंग कार्यक्रम उनका हुआ करता था जिसे लोग बैठ कर के विश्राम करते थे। या उस वक्त की बातें हैं जब शुरू यहाँ रेलवे ट्रैक बिछ रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा और ट्रेन का शुभारंभ हुआ था, उस वक्त यह मनोरंजन क्लब का उद्घाटन हुआ था। देख रहे हैं आप 1926 में यह बनकर तैयार हुआ, यह मनोरंजन क्लब अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, जो आज भी जस का तस उसी स्थिति में मौजूद है। उसी ईटा, वही कलाकारी, वही कलर आज भी इस मनोरंजन क्लब को मैं आपको देखने मिलेगी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा रूप। और ठीक इसी के जस्ट सामने या आप देख रहे हैं रेलवे का ही ग्राउंड है जहाँ दुर्गा पूजा का स्टेज बनकर तैयार हो रही है और ये सारे फील्ड मेला से भर जाएगा। एक से एक आयोजन होगा चीज़ों का, कार्यक्रमों का, झूला और भी कई प्रकार के चरखी, ये सारे फील्ड में भर जाएंगे, मौजूद रहेंगे, जिसकी तैयारियाँ धीरे धीरे हो रही है। और इसी मनोरंजन क्लब या इसी नाच घर के बगल में आप चारों ओर देख पाएंगे सारे रेलवे कॉलोनियाँ बसी हुई है। ये सब रेलवे कॉलोनियाँ हैं, रेलवे क्वार्टर हैं जिसे घर कहते हैं। और ये स्टेज दुर्गा पूजा का, ये दूर दूर तक आप देखेंगे इस फील्ड को, सारी रेलवे कॉलोनियाँ मौजूद है। और ये इसी के बीच में या उस ज़माने में बना हुआ मनोरंजन क्लब जिसे आज लोग नाच घर कहते हैं, क्योंकि यह नाच घर नाम अंग्रेज़ों का दिया गया नाम था। और फ्रेंड, ठीक इसी नाच घर के बगल में आप देख रहे हैं, यह बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, मंडलीय रेल किरागा ग्राउंड है, इसे मंडलीय किरांगन भी कहते हैं यहाँ के लोग। बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, सारे चीज़ों का आयोजन होता है, आयोजन किया जाता है इस ग्राउंड का। तो ये उसकी रास्ता है, इससे आप अंदर चले जाएंगे और आगे मैं आपको दिखाता हूँ उस ग्राउंड का। यह मंडलीय किरांगन पूर्व मध्य रेलवे का यह ग्राउंड है, बहुत ही शानदार ग्राउंड है जहाँ रेलवे के द्वारा सारे खेल कूद का कार्यक्रम इसी ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। तो यह इसका मुख्य द्वार है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर लेकर चल रहा हूँ आपको, आप भी इस देखिए मंडलीय किरागार को। ये सारे ग्राउंड जो थे 1926 के बने हुए हैं, उसी ज़माने के बना हुआ है जब अंग्रेज उस भवन को बना रहे थे तो अपने फील्ड के रूप में इसका निर्माण किया था, जहां अंग्रेज उस ज़माने में खेल कूद किया करते थे, फुटबॉल एज ए क्रिकेट या छोटा सा स्टेडियम के रूप में बैठने का लोगों का जगह। इस सारे ग्राउंड को आप एक बार मैं आपको दिखा दूँ, यह बहुत ही पुराना ग्राउंड है
मुगल सराय का, जिसे अभी DDU यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। यह शहर या उसकी मुख्य ग्राउंड है, जो 1926 में बनाई गई ग्राउंड थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जब रेल लाइन का यहाँ विस्तारीकरण हो रहा था, रेल ट्रैक यहाँ बिछ रही थी, उस वक्त इस ग्राउंड को भी बनाया गया था उस मनोरंजन क्लब के साथ साथ, ताकि वहाँ नाच गाना जैसा कार्यक्रम हो और यहाँ खेल कूद जैसा कार्यक्रम यहाँ हुआ करता था, आयोजन होता था। यह मंडलीय क्रीड़ांगन पूर्व मध्य रेलवे का यह ग्राउंड है, बहुत ही शानदार ग्राउंड है, जहाँ रेलवे के द्वारा सारे खेल कूद का कार्यक्रम इसी ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। तो यह इसका मुख्य द्वार है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर लेकर चल रहा हूँ आपको, आप भी इस देखिए मंडली क्रीड़ागार को। ये सारे ग्राउंड जो थे 1926 के बने हुए हैं, उसी ज़माने का बना हुआ है जब अंग्रेज उस भवन को बना रहे थे, तो अपने फील्ड के रूप में इसका निर्माण किया था, जहां अंग्रेज उस ज़माने में खेल कूद किया करते थे, फुटबॉल एज ए क्रिकेट या छोटा सा स्टेडियम के रूप में बैठने का लोगों का जगह। इस सारे ग्राउंड को आप एक बार मैं आपको दिखा दूँ, यह बहुत ही पुराना ग्राउंड है मुगल सराय का, जिसे अभी DDU यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। यह शहर या उसकी मुख्य ग्राउंड है, जो 1926 में बनाई गई ग्राउंड थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जब रेल लाइन का यहाँ विस्तारीकरण हो रहा था, रेल ट्रैक यहाँ बिछ रही थी, उस वक्त इस ग्राउंड को भी बनाया गया था उस मनोरंजन क्लब के साथ साथ, ताकि वहाँ नाच गाना जैसा कार्यक्रम हो और यहाँ खेल कूद जैसा कार्यक्रम यहाँ हुआ करता था, आयोजन होता था। यह मनोरंजन क्लब ये नाच घर का साइड का दीवार है, जिसे आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती से। आज भी इसकी एक दीवार में दरार तक नहीं आई है, न कहीं पर खरोच आया है, आज भी वह सही सलामत रूप में मौजूद है, अपनी पूर्ण स्थिति में इसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल जस का तस। जबकि आप देख रहे हैं 1926 का बना हुआ यह भवन है, लेकिन अपनी स्थिति में आज भी मजबूती से खड़ा है। तो क्या स्थिति थी, क्या मजबूती था उस वक्त, क्या असली सामान मिला करती थी उस ज़माने में, यह आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। उसी नाचघर का या घर का जो छत है, उस छत को मैं आप दिखा रहा हूँ, उस ज़माने से ये बनी हुई थी टीन की चादरों की, जो आज भी वही टीन की चादर जस का तस लगा हुआ है, कहीं से कोई छेद, कहीं से कोई लीकेज, कहीं से कोई टूटा फूटा आज तक नहीं हुआ है, और सेम आज भी वह अपने स्थिति में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है, और लोग आज भी इस नाच घर का या इस मनोरंजन क्लब का लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं, जो 1926 में बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। एंड एक जानकारी आप और दे दें, जब इंडिया में रेल इंजन का सफलतापूर्वक उद्घाटन हो गया था, और जब यह पहला ट्रैक पर रेल इंजन दौड़ी थी मुंबई से ठाणे के बीच में, और उसका समय था लगभग 1857 में, 1857 में जब मुंबई से ठाणे के बीच पहला रेल इंजन चला, तो देख के देश में खुशी की लहर दौड़ी थी, और उस वक्त से और पूरे देश में फिर ट्रैक बनना शुरू हो गया, बिछना शुरू हो गया था, और यहाँ तक पहुँचने में लगभग 69 वर्ष का समय लगा था। इस यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक ट्रैक बिछने में पूरे 69 वर्ष का समय लगा था, तब मुंबई से मुगल सराय तक ट्रैक जो है कंप्लीट रूप में बिछ गई थी, उसके बाद यह भवन बना, या नाच घर बना, या मनोरंजन क्लब बना अंग्रेज़ों के द्वारा। उस वक्त अंग्रेज़ों के द्वारा ही ये ट्रैकें बिछाई जा रही थी, तो आप समझ सकते हैं। एक बताना मैं ये चाह रहा था कि मुंबई से मुगल सराय तक ट्रैक बिछाने में लगभग 69 वर्ष का समय लगा था पूरा, तब जाकर यहाँ का रेलवे आवागमन शुरू हुआ यहाँ पर भी। तो यह उस ज़माने की वह भवन है,
1926 में बनी हुई अंग्रेजों के द्वारा, या नाच घर है जिसे देख रहे आप हमारे पीछे में, जो आज भी जस का तस मौजूद है अपनी अच्छी स्थिति में। आज लोग इसे नाच घर का नाम देते हैं। Oh, 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 oh